किन्नी दुख की गल है कि जेडे अपने शेलर वीर है व्यापारी है वो बहुत वड्डा योगदान पंजाब की इकोनोमी विच पाउंदे ने। आज सारे शेलर बंद पए ने, बंद क्यों पए ने ये उस मुख्यमंत्री नूं पुछिया जिहड़ी छुट्टी मनाउण वास्ते आंध्र प्रदेश बैठा होया अपना वपासना उत्थे कर रहा है, इत्थे लोकां दी तकलीफां सुनण दे बजाय ये शेलर नूं जिहड़ी ओह मिक्सिंग होंदी है जिहदे वास्ते इहनां नूं नवंबर दे महीने च अपलाई करके केंद्र तों मंजूरियां लैणी हुंदियां ने। अज जनवरी दे आके आपां अद्धा जनवरी लंघ गया, दसंबर का महीना लग गया, अद्धा जनवरी लग गया, 31 मार्च तक डेट होंदी है, लेकिन इन्हें हुण तक मंजूरी लैन का काम शुरू तक नहीं किया है। ते सारे शेलर माल लेके सब बंद पए ने, कोई अपना काम, इन्हों का भी आमदन मारी गई, इन्हों के उत्थे जिहड़े मजदूर पता नहीं हजारा की गिनती से जिहड़ी मजदूरी करते ने वो भी वेले बैठे हुए ने। ते पंजाब दे हालात की बनेंगे जे मुख्यमंत्री, एक तो ये मुख्यमंत्री इन्ना ओकी शब्द वास्ते ने वरता कि इन्हू पता ही नहीं, अल्लाह कक्का ही नहीं पता कि सूबा किवें चलता है, जिदे करके सूबे की इंडस्ट्री बाहर भज रही है। हुण ये शेलर वाले की करिए, ये भी सोचेंगे कि इत्थे शेलर लाने का फायदा कि कितें होर लाइए जिते सरकार को सरकार चलानी आती हैगी। पंजाब के लोग पंजाब छड़ के भज रहे, नौजवान छड़ के भज रहे ने, किसानों मुआवजा नहीं मिलता है, बच्चों नौकरियां नहीं मिल रही, तो शेलर चंगा भला जिहड़ा काम चलता है, क्योंकि नलायक मुख्यमंत्री जो आ ही नहीं पता कि किहड़े समय की करना, केजरीवाल को लैके पंजाब के उत्ते कर्जा चढ़ा के पांच सूबियों से गेड़े ला रहा, थोड़ा समा पंजाब च रह जा, जब पंजाब च रहने का मौका मिलता है, जब सारे सूबियों तो वोटा नहीं पैंदियां, हुण इत्थे रुक के अपने पिछले काम नूं अपडेट कर, तो हुण आंध्र प्रदेश भज गया विपासना करने वास्ते, कि ये शेलर वाले किसे कोल जा। अज इस बुरज उबे च बुरजहरी च मैं आई हाँ, एक शहीद परिवार जिन्हां नूं केंद्र ने शहीद का दर्जा दिता, ऑन ड्यूटी उहदी मौत हो गई, 6 महीने लग गए, मुख्यमंत्री नूं भी अर्जी देती है, MLA भी आया जब इत्थे सलामी दित्ती सी, तो उन्हें शहीद का दर्जा ही पंजाब सरकार दे के बनता हुआ हक नहीं दे रही। मतलब शहीदों के नाल भी मजाक पक्षपात, किनू दे दो किनू नहीं दे दो, आ शेलर वाले ये बेचारे सर दर्द ठोकरा खा रहे ने, कल भी मेरे को आए थे, आज भी मेरे को आए ने, लेकिन आप बोलिए कि आंध्र प्रदेश किनू जाके दिए, जिन्हें एक मौका मांगा थी केजरीवाल उन्हें कितने फड़िए, तो 4 दिन का मेहमान है जेल जाऊगा, लेकिन जेल जाने तो पहले उन्होंने काम तो नबेड़ जा ताकि इन्हों का रोजी ना मारी जाए, वो जो मुलाजिम काम करते हैं मजदूर काम कर उन्हों की मजदूरी ना मारी जाए। पर यह भगवंत मान नूं गल्लां आंदियां ने, इश्तहार वड्डे 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 फ्लैक्स लाए ने, यह मसले कौन हल करूगा, जिहड़े लोकां दे मसले ने, जिहड़ा सत्ता तों सरकारां चलनियां सी, मुख्यमंत्री आम आदमी लोकां दे विच रहण वाला, उह कित्थे अज आम आदमी जावे किहदे कोल जावे, इहदा जवाब कौन दूगा। कांग्रेस पार्टी ते आम आदमी दा दोगला चेहरा लोकी पहचान जान, एक पासे अपने आप नूं विरोधी धिर कहिंदे ने, दूजे पासे गठबंधन करी बैठे ने, इह लोकी समझ जाण इह झूठियां दी राजनीति की है, झूठ मार के फरेब करके लारे ला के कुर्सी ताईं पहुंचण दी इहनां दी राजनीति है। अज केजरीवाल ते राहुल गांधी हथ मलाई बैठे ने, इंडिया अलायंस बनाई बैठे ने, इत्थे कोई कुछ कहिंदा कोई कुछ कहिंदा, रले मिले ने सारे, लुटिया उहनां ने लुटे रहे ने, वादे उहनां ने नहीं पूरे कीते, वादे आ नहीं पूरे कर रहे ने। आज पंजाब नूं जागना चाहिए, आप जी खेतरी पार्टी बाबे नानक दी तकड़ी दे नाल जुड़न, जिहड़ी पार्टी तुहाडी अपनी है, जिहड़े ने कदे झूठ नहीं मोलिया, जो कहा उसको वध करके दिखाया, ते अज भावे सरकार नहीं भी है, अज भी दोनों सानू ही भंडदे ने, एक दूजे बारे कुछ नहीं कहंदे, लेकिन लोकां दे विच कौन फिर रहा है, अज भी अकाली दल लोकां दे विच फिर रही है, जिन्हां दे कोल खजाने, जिन्हां दे कोल कुर्सियां ने, ताकत है, जिन्हां दी सरकार है, उह लोकां दे विच कित्थे नजर आ रहे ने, इहदे बारे लोकी सोचण। ₹1,00,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस लोगों के उत्ते चढ़ा के लुट के खा के तुर गई, थानू कुछ नहीं मिलिया, 2 साल 60,000 करोड़ का कर्जा इस भगवंत मान ने थोड़े सिरे चाढ़ता केजरीवाल नूं चमकाउण वास्ते, अजे होर पता नहीं किन्ना कर्जा लऊगा। आनगियां वोटां पावे सरपंची दियां आन, इहनां नूं झाड़ू मार के पूरा सफाया इहनां दा कर दिओ, उहदे बाद MP वी आन गया, ते जिहड़ा भगवंत मान 2.5 साल तों दिखिया नहीं, तुहाडा MLA नहीं दिखिया मुख्यमंत्री, उह दिसूगा, जब दिसूगा इहदे झूठ दी जाल दे मच फस जाणा, हथ बन के बेनती है, अगे ही बहुत वड्डी गलती, पंजाब दा बहुत वड्डा नुकसान होया, बल्कि इहदे झूठा दा इहतों बदला लैणा, इहो जी वोट की चोट मारना, इहो जी सट मारना कि सुत्ता होया भगवंत मान केजरीवाल जाग जान, लीहां च आ जान, अपने कीते हुए वादे पूरे करन, लोकां दे विच आ जान, कल्ले गल्लां च नहीं,
ਹਕੀਕਤ ਚ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਤਲ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਕਿ ਬੋਲ ਦੇਣ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ ਹੈ 8 ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਸ਼ਕਾ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ।